आपका क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, वी हैव टू मेक टू थिंग्स, वन इज रॉक वन इज टावर। तो दिस इज योर रॉक, ठीक है। तो ये आपका रॉक है, तो रॉक इज योर ए एंड बी ना। तो ये आपका ग्राउंड है, तो यर इज अ टावर, तो दिस इज योर टावर, ठीक है। वी कैन राइट टावर ना। अब देखो दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी ना। अब देखो इसमें क्या कहा, इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ रॉक, टॉप ऑफ द रॉक, ठीक है, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ 100 मीटर हाई टावर। तो दैट मीन्स दिस इज योर 100 मीटर्स। तो हमने क्या किया, टॉप फ्रॉम अ टॉप है ना, टॉप एंड बॉटम ऑफ 100 मीटर हाई टावर में कहां देख रहे हैं, टॉप को। तो हमने एक लाइन यहां बनाई और एक हमको यहां से यहां बनाना है, ठीक है ना। अब यहां पर पैरेलल लाइन बना दो ना। अब देखो इफ दिस इज 100 मीटर, दिस इज ऑल्सो 100 मीटर, ठीक है ना। और देखो इसने क्या दिया है, द एंगल्स, तो एंगल्स इसने दिए हैं 30 एंड 45, ठीक है। तो फर्स्ट इज 30, तो 30 पे फर्स्ट इज टॉप, दैट मीन्स फ्रॉम हियर, तो दिस इज योर 30 डिग्री। फिर इसमें दिया है 45, दैट इज योर बॉटम, तो दिस इज योर बॉटम, दैट इज योर 45 डिग्री, ठीक है ना। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द रॉक, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर ना। इसको भी एक नेम कर दो ई, दिस इज योर ई, ठीक है ना। तो जो हाइट उसने नहीं दी है, दैट इज योर स्मॉल एच। तो नाउ द टोटल हाइट ऑफ द रॉक इज स्मॉल एच प्लस 100, तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल एच, हाइट ऑफ द रॉक इज कैपिटल एच, एच प्लस 100, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे देखो, तो ये जो डिस्टेंस है वी विल टेक इट एज एक्स, तो एक्स मीटर्स। नाउ वी विल टेक 10:45 फर्स्ट, तो 10:45 डिग्री इज इक्वल टू, 45 का क्या है देखो, एच प्लस 100, एच प्लस 100 बाई एक्स, ठीक है। तो 10:45 हमारा 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू एच प्लस 100 बाई एक्स, तो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 100, ठीक है। तो एक्स हमारा एच प्लस 100 है। नेक्स्ट हम लेंगे 10:30, तो हमने ले लिया 10:30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एच, अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो गया, तो एच बाई एक्स। बट वी नो दैट एक्स इज एच प्लस 100, तो सेम हम लिखेंगे। तो और 10:30 हमारा कितना होता है, 1/√3, तो ये हो गया आपका 1/√3, दैट इज इक्वल टू एच बाई एक्स इज एच प्लस 100। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपका आ जाएगा एच प्लस 100 इज इक्वल टू एच रूट 3। Now, ये वाले एच को इस साइड में लेकर आ जाओ,
ठीक है, तो आपका आ जाएगा एच रूट थ्री माइनस वन, एच रूट थ्री माइनस एच दैट इज इक्वल टू हंड्रेड। तो एच इज कॉमन, वही मैं बोल रहा था, एच इज कॉमन, तो आपका आ गया रूट थ्री माइनस वन दैट इज इक्वल टू हंड्रेड। ठीक है, नाउ तो एच क्या हो गया आपका, एच इज हंड्रेड बाई रूट थ्री माइनस वन। नाउ रैशनलाइज इट, रूट थ्री माइनस वन यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस वन, तो यहां पर आपका आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से हंड्रेड और ब्रैकेट में रहेगा आपका रूट थ्री प्लस वन बाई, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री, तो थ्री माइनस वन इज टू। तो ये आपका देखो कट हो रहा है, ये आपका टू है और ये आपका फिफ्टी है ना, तो हमारा क्या आ गया देखो फिफ्टी इंटू नौ, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है, प्लस वन, तो दैट इज इक्वल टू 2.732, तो ये आपका हो गया 50 इंटू 2.732, दैट इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई करो, जीरो को पहले जीरो लिख दो, नेक्स्ट 5 2s are 10, 1 carry, 5 3s are 15, 1 is 16, 1 carry 35 प्लस 1 is 36 एंड 3 carry 5 2s are 10 प्लस 3 is 13। नाउ डॉट 1 2 3 1 2 3, तो आपका देखो क्या आ गया हाइट, एच क्या आ गया आपका 136.60 इज द एच दिस वन, बट टोटल हाइट ऑफ द रॉक इज प्लस 100, तो नाउ वी कैन से हाइट इज इक्वल टू 136.60 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 236.60 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।